नमस्कार। आज दिनांक 14 मई है और बात करेंगे आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की। आज भी उत्तरी राजस्थान के जिलों में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगी। यहाँ थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कल यानी 15 मई की बात करें तो राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल छुटपुट थंडर एक्टिविटी गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक नया लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर की खाड़ी में बन चुका है। फिलहाल साउथ ईस्ट अरब सागर की खाड़ी में एक अति कम दबाव का क्षेत्र, जिसे डिप्रेशन सिस्टम कहते हैं, बना हुआ है और इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में और तीव्र होकर चक्रवाती तंत्र यानी साइक्लोन के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। बात करें इस सिस्टम के मूवमेंट की तो सिस्टम का मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और 18 मई के आसपास गुजरात तट के पास पहुंचने की संभावना है। बात करेंगे इस चक्रवाती तूफान का असर राजस्थान में क्या होगा। जैसे जैसे यह सिस्टम गुजरात तट की तरफ आगे बढ़ेगा, साउथ राजस्थान के जिलों में थंडर एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। यानी कि 16 मई से ही सिस्टम का असर थंडरस्टॉर्म के रूप में देखने को मिलेगा। 16 मई को जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म और थंडर के साथ में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बात करें यदि 17 मई को तो यह सिस्टम का असर एक बार फिर से जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और कोटा संभाग के जिलों में थंडरस्टॉर्म के रूप में और साथ ही तेज बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। जहां तक विंड स्पीड की बात है, थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड विंड्स 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की दर्ज हो सकती है और बारिश की यदि बात करें तो ज़्यादातर स्थानों पर साउथ राजस्थान के जिलों में 17 मई को ज़्यादातर स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। इस सिस्टम से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट हेतु कृपया मौसम केंद्र जयपुर से जुड़े रहें। धन्यवाद। ग्राफिक के थ्रू यदि देखें तो सिस्टम का मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है और 17 मई मॉर्निंग के आसपास यह सिस्टम गुजरात तट के करीब पहुंचेगा।